रामकृपाल जी, आपका विश्लेषण इन तीनों राज्यों में बीजेपी आपको राजस्थान में आगे दिखती है जैसा विनोद जी कह रहे हैं, और क्या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे दिखती है? मानक जी, अभय जी ने जो कहा, मैं भी उस डिबेट में था जब आपने इसी सवाल पर डिबेट किया था जी, कि तीनों राज्यों की स्थिति क्या है। तो मैंने जो कहा था, मैं उस बात पर अभी भी कायम हूं। मैंने ये कहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, मतलब कांग्रेस फेवरेट है, ओके, और राजस्थान में बीजेपी अब का अपर हैंड है, और मध्य प्रदेश मैंने कहा था कि एनीवन कैन विन, ये मैंने तब कहा था और आज भी इस बात पर मैं कायम हूं। एक दो बातें मैं कहना चाहता हूं कि ये जैसे अभय जी ने एक बात कही कि बंगाल में बीजेपी को 17 सीटें मिल गई थी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी थी मायावती, सॉरी ममता के खिलाफ, जिसको ममता जी ने अपने पक्ष में कर लिया। मैं एक बात बताऊं, ऐसा नहीं होता है। राज्यों का मुख्यमंत्री ये चुनने के लिए वोटर बिल्कुल अलग से वोट देता है और केंद्र के लिए अलग। मैं आपको उदाहरण बताऊं, आप देखिए अभी 2018-19 का देख लीजिए, राजस्थान के चुनाव के, मध्य प्रदेश चुनाव के 6 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव होते हैं। आप देखिए 2018 में भी जो चुनाव हुए थे उसमें राजस्थान में भी कांग्रेस थी, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस थी, लेकिन नतीजा क्या हुआ, लोकसभा चुनाव होते ही बिल्कुल सारी सीटें चली गई बीजेपी की तरफ। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने 6 महीने के भीतर जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको अपने फेवर में मोड़ लिया। आप याद कीजिए, विनोद भाई को याद होगा, हमें भी, कर्नाटक में राजीव गांधी को जब वोट मिला था 100%, मतलब कर्नाटक में स्वीप किया था राजीव गांधी ने, लेकिन 100 दिन के भीतर वहां पर विधानसभा का चुनाव हुआ, उसी वोटर ने जनता पार्टी के रामकृष्ण हेगड़े को अपने लिए चुना। ऐसा नहीं था कि 100 दिन के अंदर एंटी इनकम्बेंसी हो गई। तो मेरा यह कहना है कि देखिए, राज्यों के चुनाव और केंद्र का चुनाव बहुत अलग अलग होते हैं, तो इसमें ये जो हमेशा मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, रामकृपाल जी फिर बहस करेंगे, टाइम खत्म हो रहा है, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है आज, इसीलिए हमने इन तीन स्टेट्स पर फोकस किया था, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, क्योंकि इनमें चुनाव आने वाले। अब कोशिश करेंगे हर दिन जैसे जैसे दोनों पार्टियों का चुनाव प्रचार इन राज्यों में आगे बढ़ेगा, अलग अलग मुद्दे उठेंगे, हम भी इसी तरह बहस करते रहेंगे और इसके आंकड़े, इसका विश्लेषण आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज बहुत धन्यवाद अजय आलोक, थैंक यू आलोक शर्मा, रामकृपाल जी, विनोद जी और अभय दुबे, थैंक यू सो मच।